जम्मू कश्मीर हमारा पूरा मातम छाया हुआ है और आज हमारा पीर पंजाल खिता और चिनाव वैली भी पूरा तनाव में है, स्ट्रेस में है और टेंशन में है और साथ में दहशत में है। आज हमारे वो जो 6 मासूम एक समुदाय के लोगों की निर्मम हत्या, टारगेट किलिंग्स मिलिटेंट्स ने कर दी, उनका इस समय अंतिम संस्कार राजौरी में चल रहा है और हम जम्मू के लोग, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम, पूरे मुल्क की आवाम इस दुख की घड़ी में, डांगरी में जो शहादतें हुई है, जिनके चहेते अपनी जाने गवा बैठे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी इस वाक्या के ऊपर, इस हादसे के ऊपर आपका कोई भी बयान नहीं आया है। क्या आपको ये मालूम नहीं कि जम्मू कश्मीर में कितनी टारगेट किलिंग्स हो रही है, कितने मासूम लोगों की जाने जा रही है, कितने लोग इस हादसे में शिकार हो रहे हैं? और हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री जी, आप जम्मू कश्मीर को सेना के हवाले करें, सेना को फ्री हैंड दें और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को जल्द से जल्द बदल करके यहाँ पे सेना की रूल लगाया जाए, आर्मी रूल लगाया जाए और सेना के हवाले किया जाए। इसी बात को लेकर के आज हम यहाँ पे अफसोस जाहिर कर रहे हैं और जो इनका डांगरी में और जिन लोगों की वहाँ पे शहादतें हुई हैं उनके साथ हम एकजुटता दिखाने के लिए हम यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं। और 3 मुख्य बातें हैं हमारी। एक तो हम अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि जिनकी शहादतें हुई हैं, नंबर 2 जो डांगरी में जिन लोगों की शहादतों के साथ मासूम लोगों की जाने गई हैं और उनको लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है, हमारी ये मांग है कि जिनकी शहादतें हुई हैं उन परिवारों को मुआवजे के तौर के ऊपर एक एक पेट्रोल पंप या LPG गैस की एजेंसी दी जाए, वो डांगरी के लोगों को, रजौरी के लोगों को, और साथ में उनके अंतिम संस्कार हो रहे हैं इस दुख की घड़ी में, पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है। अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी, आपका कोई, हमारी ये मांग है कि जिनकी शहादतें हुई हैं उन परिवारों को मुआवजे के तौर के ऊपर एक एक पेट्रोल पंप या LPG गैस की एजेंसी दी जाए, वो डांगरी के लोगों को, रजौरी के लोगों को, और साथ में उनके अंतिम संस्कार हो रहे हैं इस दुख की घड़ी में, पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है। अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी, आपका कोई बयान इन टारगेट किलिंग्स को लेकर के जो डांगरी में और जो रजौरी में हुआ है, और आज डोडा किश्तवाड़ भी बंद है, कितना तनाव है। और अगर ऐसी दहशत की वारदातें और जम्मू कश्मीर में हो गई तो जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल फैल जाएगा, अराजकता फैल जाएगी और इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। और मैं तमाम इस लोगों को, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, हर वर्ग के लोगों को, चाहे किसी भी मजहब के हैं, आप एक साथ रहें और इस दुख की घड़ी में एकजुटता का सबूत दें और एक साथ रह करके जम्मू कश्मीर की देखभाल करें। और प्रधानमंत्री जी, आप बिना समय गवाए जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस 370-35 से वापस करें, क्योंकि अब तो 370 भी नहीं है, फिर ये टारगेट किलिंग्स क्यों? हम लोग बड़े मुश्किल बुरे दौर से गुजर रहे हैं, इसी के लिए आज हमने ये मीटिंग की थी कि एक तो जिनकी अभी संस्कार चल रहा है डांगरी में, रजौरी के लोगों का जिनकी शहादतें हुई हैं उनके साथ हम खड़े हैं, और साथ में सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री जी, आपका कोई बयान नहीं आया, गृह मंत्री जी, आपका कोई बयान डांगरी को लेकर के नहीं आया, बड़े अफसोस की बात है। और डोडा भी आज बंद है, डोडा किश्तवाड़ भद्रवा पुंछ राजौरी, वहाँ पे कल बंद था, आज बंद है। जम्मू कश्मीर में तनाव फैल रहा है और हम ये चाहेंगे कि सेना के हवाले जम्मू कश्मीर को किया जाए, फ्री हैंड दिया जाए
और मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपसे बहुत बड़ी शिकायत है कि अब किसको मॉरल ग्राउंड के ऊपर त्याग पत्र देना चाहिए। ऐसी वारदातें हो रही हैं। कश्मीरी माइग्रेंट मुलाजिम जम्मू आ गए हैं, कैटेगरी मुलाजिम जम्मू आ गए हैं, हाहाकार मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आतंकवादी गतिविधियां शहादतों के विरोध में यहाँ पे आपके खिलाफ नारेबाजी लगाई जा रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार जिम्मेदार।